अस्सलाम वालेकुम। अब 10 किलो लहसुन छीलें बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी मशक्क़त के, सिर्फ़ और सिर्फ एक एग बीटर की मदद से। उसके अलावा बहुत ही मज़ेदार से हैक्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो आपके बहुत काम आएंगे, आपका बहुत सारा वक्त बचाएंगे, आपके पैसों की बचत करेंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी फ़र्स्ट टिप को। सबसे पहली टिप है हमारी इस तरह की जीन्स की जो पैंट्स होती हैं या निकर्स वगैरह जो होती हैं जो बच्चे पहनते हैं या फिर बड़े भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है कि अक्सर ये या तो वेट कम हो जाने की वजह से कभी लूज़ हो जाती हैं या फिर ये कि बड़ी आ जाती हैं कि लूज़ हो जाती हैं। तो उसके लिए एक आप आसान सी टिप ट्राई कर सकते हैं कि अगर पैंट किसी को लूज़ हो जाए तो अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसकी अल्ट्रेशन वगैरह करवा सकें, इसको फिट करवा सकें, तो एक अर्जेंट एक ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये जो इसका फर्स्ट बेल्ट का पॉइंट होता है ना, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, बस इसको आप फोकस करते जाएं और इसको आप इस ये जो बटन है इसके अंदर फंसा लें और फिर उसके बाद आप बटन बंद करें। आप देखेंगे कि पैंट की जो वेस्ट है उसमें आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा, काफ़ी हद तक कम हो चुकी होगी। इसलिए इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम पेश आए तो ये बहुत ही परफेक्ट एक टिप है और बच्चों के लिए भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बड़ों के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। या फिर वो वैसे तो बेल्ट वगैरह की ऑप्शन होती ही है कि अगर पैंट लूज़ हो तो उसे बेल्ट वगैरह लगा के हम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर बेल्ट वगैरह भी नहीं लगाना चाहते बाज़ुकात बच्चे, तो इस टिप को आप ट्राई करके उनकी जो वेस्ट है ना उसको परफेक्ट कर सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया है हमारे इस कि जो छोटे छोटे जिप लॉक पाउचेस होते हैं इनसे मुतालिक के बाज़ औक़ात हमें रिक्वायरमेंट इतनी लंबी पाउच की नहीं होती, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये कितना लंबा पाउच है और इसका मतलब जितनी मुझे रिक्वायर्ड साइज़ है ना उससे ये बड़ा है। तो इसको हम किस तरह से अपने साइज़ के मुताबिक और इससे हम किस तरह पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं और इस एक जिप लॉक पाउच में हम दो पॉकेट्स इसकी तैयार कर सकते हैं। ये देखें जी आपके सामने मैंने इसको किया कि जो इसका नीचे वाला जो बॉटम वाला हिस्सा था ना उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। अब ये देखें इस तरह से फोल्ड कर देने के बाद अब ये हमारे पास दो छोटी छोटी सी पॉकेट्स क्रिएट हो चुकी हैं और ये किसी चीज़ को कैरी करने के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी हैं। आप इसको अगर इसकी लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, अगर छोटी करना चाहते हैं तो इस तरह से छोटे भी कर सकते हैं। अब नाइफ को गर्म किया हुआ था और इस तरह से इसको नीचे फेर दिया। अब ये दो जो पॉकेट्स हैं ना वो हमारी एक जिप लॉक पाउच की दो पॉकेट्स तैयार हो गई और ये बिल्कुल सील पॉकेट भी तैयार हो गई हैं। अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से ये जो नाइफ वाला प्रोसेस है ये ना करें, लेकिन चूंकि इस तरह से हम दो पॉकेट्स को फिक्स कर सकते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। और अब ये देखें ये दो पॉइंट्स हमारे बन चुके हैं, दो पॉकेट्स बन चुकी हैं। आप इसमें अपनी दो पॉकेट्स में छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना जो हमें कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है या फिर ये कि उनको संभालने के लिए हमें जो अपार्टमेंट्स हैं दो अपार्टमेंट्स की दो पोर्शंस की ज़रूरत होती है, छोटी छोटी चीज़ें जैसे हमारे पास बटन्स होते हैं या फिर ये कि सेफ्टी पिन्स वगैरह या फिर इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको संभालने के लिए इस तरह का आइडिया परफेक्ट है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अगर आपने कहीं कैरी करना हो ना तो फिर भी बहुत इजी हो जाता है। आपकी एक ही पाउच में दो डिफरेंट चीज़ें आप रख सकते हैं और इसका सबसे आसान मतलब फ़ायदा ये होगा कि आपको एक ही जगह पर अपनी चीज़ें मिल जाएंगी। उम्मीद है कि ये टिप भी आपको यूज़फुल लगी होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स आपको देखने को मिलती रहें जो कि मेरे लिए भी फ़ायदेमंद रहती हैं और आपके लिए भी यकीनन फ़ायदेमंद होती होंगी। कोई ना कोई टिप ऐसी ज़रूर होती है जो कि हमें डेली रूटीन में कहीं ना कहीं काम ज़रूर आती है। चलिए जी नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया है हमारे इस तरह के ये जो शॉपर्स होते हैं पॉलीथीन बैग्स जिन्हें हम कहते हैं, इनसे मुतालिक है। ये देखें जी इसको मैंने सेट कर लिया और अब इसको मैंने इस तरह से ट्विस्ट कर लिया। आप मेरे बोलने से ज़्यादा देखने पे फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये देखें इस तरह से इसको ट्विस्ट करने का मतलब क्या था कि अगर हमने इस तरह से कोई भी ऐसी लिक्विड चीज़ लेके जानी हो, जैसे कि बच्चों की मेडिसिन वगैरह हमने कहीं कैरी करनी होती हैं
या फिर यह कि कोई भी लिक्विड, कोई जूस होता है, कोई अचार वगैरह होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि हमने लिक्विड मटेरियल में लेके जानी हो, तो अगर हम उसको ऐसे ही पॉलीथिन बैग में डाल देना तो कहीं ना कहीं लीक हो जाने की वजह से एक चीज़ दूसरी चीज़ को भी गंदा कर देती है। तो आप इस तरह से ट्विस्ट करके शॉपर को इसमें जो भी चीज़ आपने रखनी हो वो रख सकते हैं। और अब आप देखें, इस तरह से हम इसको गिरा लगा देंगे ऊपर और अब ये चीज़ें हमारी फिक्स हो गई हैं, ये एक दूसरे के साथ हिलने जुलने वाली भी नहीं है, और दूसरा ये कि हमारा जो बैग है ना वो भी गंदा नहीं होगा, और अगर कोई एक चीज़ खुदा ना हास्ता गिर जाती है तो दूसरी चीज़ कम से कम गंदी नहीं होगी। चलें जी नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया है हमारे लहसुन छीलने से मुतालिक कि हम ढेरों ढेर लहसुन कैसे आसानी से छील सकते हैं। लहसुन छीलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगता है जो लड़कियाँ होती हैं, इनको तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है। खवातीन तो जिनको घर संभालने की आदत हो चुकी होती है वो तो किसी ना किसी ट्रिक से इनको छील ही लेती हैं, लेकिन अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे ना तो आप बहुत आसानी से लहसुन छील सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो एग बीटर होता है ये तो ऑलमोस्ट हर घर में ही होता है, ये जो हैंड बीटर होता है ये हर घर में पाया जाता है, और इसके अंदर 2 से 3 लहसुन आसानी से आ जाते हैं। और अब आप देखें, इसको मैंने गैस स्टोव पे रखा है, इसको जला लेंगे जिस हद तक मतलब इसका छिलका जल सकता है इसको जला लेंगे। अच्छा, छिलका जलाने का मकसद ये होता है कि छिलका जो है ना वो सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, जिसकी वजह से इसको छीलना बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एग बीटर को मैंने प्लेट में रख दिया था और अभी ये थोड़ा सा गर्म गर्म ही है, और अब गर्म गर्म को ही हम थोड़ा सा इस तरह से प्लेट के ऊपर झाड़ेंगे ना तो ये इसका जो छिलका नरम हो चुका होगा वो काफ़ी हद तक उतर जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसको ठंडा करने का प्रोसेस करना है, ठंडा हो ले फिर उसके बाद इसको छीलना है। इसका छीलने का प्रोसेस इतना इजी हो जाएगा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी आसानी से आप जितना भी लहसुन छीलना चाहें आसानी से छील सकते हैं, क्योंकि छिलका नरम हो जाने की वजह से जो जब ये ठंडा हो जाता है तो फिर थोड़ा सा अकड़ जाता है, और जब अकड़ जाता है तो फिर उसको छीलना बहुत इजी हो जाता है। बहुत आसानी से आपको कोई ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, आप इस काम को कर लेंगे। यकीनन आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, और जिनके लिए लहसुन छीलना मुश्किल है आज के बाद बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा, और आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा काफ़ी सारा ये जो लहसुन था ना, अभी तो तुरियों को अलहदा करते करते ही ये जो इसके पीसेस वगैरह थे इसको अलहदा करते ही हमारा लहसुन छीलना शुरू हो गया है। और उसके बाद आप इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें, और ठंडा करने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो छीलने का प्रोसेस है वो कितना ईजी हो जाएगा। ये देख सकते हैं आपके अभी इसके जो पीसेस हैं उसको ही अलहदा किया है, और फिर उसके बाद हमारा लहसुन काफ़ी हद तक छीलना शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ हमें कुछ और टिप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा ये काम आसान हो जाए। जब भी हमारे पास थोड़ा सा वक्त हो, थोड़ा सा टाइम बच जाए, तो हम ये छोटे छोटे काम करते रहें ना, तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा लहसुन की, जैसे कोई हांडी ऐसी बनानी पड़ती है कि जिसमें ज़्यादा लहसुन डलता है, तो तब हमें प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस काम को, इस प्रोसेस को करके रखा होगा। इसलिए चूँकि हमने घर को संभालना होता है, इसलिए हमें ये छोटे छोटे काम वक्तन फ़वक्तन कर लेने चाहिए ताकि हमारे लिए जब वक्त पड़े तो मुश्किल पेश ना आए। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स को देखने के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।